गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माइसल आर के मिश्रा आप लोगों का इंजीनियर सड्डा के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों काफ़ी दिन बाद आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ जैसा कि आप जानते हो काफ़ी दिनों से मैं परेशान था और पूरे दौर से गुज़र रहा था भगवान धीरे धीरे शक्ति दे रहे हैं इन सब चीज़ों को बाहर आने के लिए आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कर दिया था तो आज मैं जब बात करूँगा न्यू जॉब फॉर एंड ए वीकली जॉब अपडेट जो हमेशा हम संडे को देते आए हैं शाम को सात बजे तो उसी पे चर्चा करेंगे जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू प्रिपेयर सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे तो आइज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कल से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि आप लोग कल से मेरी यूट्यूब पे यूट्यूब पर फ्री में भी क्लासेस शुरू हो रही है शाम को पाँच बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इन एन एच पी सी यू पी और ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उनको लेकर के सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थर्बोड एनेमिक्स की कोश्चन्स की प्रैक्टिस करेंगे फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट uh, सब्जेक्ट की तो इसी तरह से ये फ्री में आपको कोश्चन्स प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा ठीक है और बाकी शाम को शाम शाम को सात बजे मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए एनएचपीसी एच पी ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसीज आई हैं उनके लिए आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन uh, प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहला आज मुझे ऐसा लगता है ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है आप लोगों के लिए आप लोगों को भरना चाहिए तो जॉब है आपको पता है इसका पे स्केल कितना है सैंतीस हज़ार पाँच सौ पे स्केल है बेसिक एक से ज़्यादा रखेगा और ये जाएगा पता कितना एक लाख पैंतालीस हज़ार तक इट मीन्स अगर सैंतीस हज़ार पाँच सौ पे अगर सारी महंगाई भत्ता अगर ऐड किया जाए अराउंड इन हैंड आपको बयालीस तिरालीस हज़ार रुपये सैलरी आएगी तो इसकी स्टार्टिंग डे डेट जो है दस तारीख है दस नवंबर और लास्ट डेट है नौ बारह दो हज़ार इक्कीस और इसका मिनिमम एज है अठारह साल और मैक्सिमम है तीस साल तो ये आपका ओ बी सी एस टी के लिए ओ बी सी के लिए तैंतीस साल एस सी एस टी के लिए थर्टी फाइव ईयर तो ये एज़ पर द गवर्नमेंट रूल तो ये देखिए ऑल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ आप इंडिया की कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंतर्गत आता है तो इसमें अगर हम बात करें इस केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आठ वैकेंसीज़ हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए बारह वैकेंसीज़ हैं कंप्यूटर साइंस के लिए पाँच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इक्कीस वैकेंसीज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तीन वैकेंसी लेकिन जो मैं आपको बताने वाला रहा हूँ कि यहाँ पे मकैनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलेगा मकैनिकल के लिए सिक्सटी फाइव और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे टेंथ और डिप्लोमा आपका होना चाहिए मतलब आप टेंथ और डिप्लोमा दोनों किए हैं तभी जा करके इसमें एलिजिबल हैं तो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा स्कोप है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज़ में और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्लीटली आपका रिटर्न टेस्ट होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फिर उसके बाद आपका फाइनल सलेक्शन हो जाएगा और सबसे बड़ी बात की फुल टाइम जॉब है तो जिसमें पेपर आपका आनवान कंप्यूटर बेस्ड तीन सेक्शन में होगा जिसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के सेक्शंस से रहेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेगा तो 20 परसेंट सेक्शन वन है बी पार्ट में आपके सेक्शन बी में आपका रीजनिंग एरेथमेटिक एंड न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटीज़ के 20 परसेंट और आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड के 60 परसेंट क्वेश्चन तो टोटल आपके 100 परसेंट क्वेश्चन का ये वेटेज रहेगा मल्टीपल चॉइस रहेगा और सबसे बड़ी बात इस एग्जामिनेशन की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपका जो टोटल पेपर का ड्यूरेशन है दो घंटे का रहेगा फिर उसके बाद मैं अगर हम इस पूरे वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर देना चाहता हूँ कि इसमें आपका 9 बारह 2021 जो एज डॉक्यूमेंट्स और तमाम तरह के जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं इस डेट के आसपास दिए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा तो आप 9 बारह के आसपास अराउंड देख लीजिएगा आपका मतलब कि डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और सारी बात करेंगे तो ये तो आपका हो गया और यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए डिग्री के लोग एलिजिबल नहीं हैं सबसे बड़ी बात और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान देना है मैं आपको और भी बता देता हूँ और सारी चीज़ें ताकि आप लोगों की माइंड में रहे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन की तरह दौरान क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए और हाउ टू अप्लाई हाँ नौ बारह डेफ़िनेटली नौ दिसंबर आपका जो इसके पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा और बाकी तो आपको भी पता है सारी चीज़ें नेक्स्ट जो हम मुझे नहीं लगता इसकी आपको ज़रूरत है अभी आपका अपडेट है वाइजेक स्टील की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज आई हैं बीटेक टेक और डिप्लोमा के लिए टोटल्स बीटेक के लिए सौ है डिप्लोमा के लिए फिफ्टी इंटिक है इस स्टैपेंट जो तो लोग अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी नहीं डेट वगैरह है आठ तारीख और आठ नवंबर से शुरू हो रहा है और अट्ठारह नवंबर तक जाएगा तो आप लोग तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये आज का एक अपडेट था एंड रही बात इसमें एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दिया डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल के बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा रिटर्न टेस्ट होगा एंड आप अगर प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको डेडिकेटेड मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए दो घंटे डी फ्री में क्लास दूंगा एक तो कम्प्लीट बैच चला रहा हूँ आप लोगों तो को पाँच फाइव पी पे डेली जिसमें थर्मोडानेमिक्स से शुरुआत करूंगा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए कल से ही शुरू हो रहा है तो सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स मिलिएगा मेरे साथ पाँच बजे एंड सिविल प्लस मैकेनिकल दोनों के लिए एन एच पी सी एंड ऑल इंडिया लिमिटेड की वैकेंसीज़ के लिए मैकेनिकल के लोग और सिविल के लोग सात बजे ज़रूर मिलिए क्योंकि हाइड्रोलिक की क्लास चलेगी इसमें अब रही बात अगर आप अपलिकेशन पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सिविल और मैकेनिकल की बहुत सारी डेडिकेटेड बैचे चल रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कल बैच स्टार्ट हो रहा है सिर्फ एस एस सी जी प्री प्लस मैंस का पंद्रह नवंबर से आप चाहो कोई चाहो तो वीडियो उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं भाई तो बाई द कोड ऑफ वाई टू जीरो वन आप सेवेंटी एट परसेंट ऑफ वाजा हो ये कोड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ऊपर ये वाला कोड आपको जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अगर आप ये वाला कोड लगा करके यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपको मैक्स टू मैक्स आपको प्राइस कम हो जाएगा और ये एस एस सी ए आर जे एन एग्जामिनेसन के नॉन्टिक है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस और क्वांट तमाम तरह के सेगमेंट की क्लासेस आपको इसमें मिल जाएगा एक नवंबर से शुरू है तो आप बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाकी एक अभी मैं रिसेंटली अपडेट बता दूँ ठीक है अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि आज है चिल्ड्रन डे तो सबसे बड़ी बात चिल्ड्रन डे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और इस चिल्ड्रन डे डे पर हमारी अड्डा परिवार की तरफ से हमारे अपने बच्चों को गिफ्ट स्पेसिफिक दिया जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग के महापैक पे जैसे छः महीने का महापैक है तो यही चीज़ आपको बारह महीने के का मिल जाएगा जिसमें सभी तरह की लाइव क्लासेस करंट अफेयर्स पीडीएफ एंड इंग्लिश स्पोकिंग क्लास एंड रिकॉर्डेड सेक्शन टेसरीज़ ई बुक सारी चीज़ें मिल जाएगा सेम फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के महापैक पर सेम फीचर्स है तो और इस आज के डेट में चिल्ड्रेन डे के डेट में उनतीस सौ रुपये का ये चीज़ आपको छः महीने के लिए न मिल करके बारह महीने के लिए मिलेगा और पैंतीस सौ मैं आपको दिखा देता हूँ और ये पैंतीस सौ रुपये का जो आप देख रहे हैं बारह महीने के लिए न मिल करके आज आज के लिए चौबीस महीने के लिए मिल जाएगा तो डबल बेलेटिव ऑफर का फ़ायदा आप ये कोड जो है Y201 कोड लगा करके आप ग्रैप कर सकते हैं वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है जाइए और वहां से ज्वाइन करिए तो ये वीकली जॉब अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया और वाइस काफ़ी दिनों बाद हम आप लोगों की क्लास को भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो कल से ऑडियो वीडियो के साथ प्रॉपर आपको पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा लाइव और मुझे पता है आप लोग तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहे थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों की क्वेरी आ रही थी मैं क्लास आपकी नहीं दे पाया आपको भी पता है क्यों नहीं दे पाया धीरे धीरे चीज़ें इन सब सारी चीज़ों से बाहर आ रहा हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आकर के मैं लाइव क्लास कल से ही शुरू कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग रहे और ऑल इंडिया वैकेंसीज़ को आप लोग सीरियसली दे करके तैयारी करिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इससे अच्छी वैकेंसीज़ अभी मुझे करंट सिनेरियो में दिख नहीं रहा है तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस वैकेंसीज़ को ज़रूर भरिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ी वैकेंसीज़ हैं यार सिक्सटी वैकेंसीज़ हैं और आप लोगों को इसकी प्रिपरेशंस करना चाहिए डिप्लोमा की फाइट है और फुल टाइम जॉब है इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है फ्रेशर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं वाई यू आर वेटिंग और प्लीज़ अप्लाई करिए इसके लिए डेट वगैरह मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट आपको शेयर कर दिया तो थैंक यू गाइज़ फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ़ दिस सेशंस एंड वीडियो जैसे अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए जय हिंद जय भारत एंड आपको किसी भी तरह की क्वेरी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए थैंक यू